इस तरीके की एड स्क्रीन लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। हाय, मेरा नाम है रजनीश, आप देख रहे हो लक्ष्य डिटेल स्टूडियो। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर बजा दें जिससे आने वाली वीडियो में आपको सबसे पहले देखने को। और हाँ, अगर आप हमें फेसबुक के पेज पर देख रहे हो तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करें, फॉलो बटन ऊपर दिख रहा होगा। तो करते हैं स्टार्ट, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो जरूर देखें कि आपके मोटिवेट वीडियो होने वाली है, जो नए क्रिएटर हैं उनके लिए और जो पुराने क्रिएटर हैं उनके लिए भी। तो करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडियो में अपने हम आ चुके हैं। जेन्युइन, आप अपने स्टूडियो में जाने के लिए, जैसे आप मोबाइल से करना चाहते हो तो मोबाइल से करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना अपना, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद अपना स्टूडियो खोलना है वहाँ। लेकिन हमें पीसी साइज में खोलना है। पीसी साइज में खोलने के बाद आप देख सकते हो सिंपली हमारी ये हमारा आ रहा है पीसी का नॉर्मल साइज, ये हमारा नॉर्मल साइज है। अब हम चले जाएंगे इस वाले पे जो हमारी सारी वीडियो है, यहाँ सारी वीडियो हमारी दिख जाएंगी। ठीक है, यहाँ हमारी सारी वीडियो दिख जाएंगी। तो हमें सिंपली से अपनी एक वीडियो कोई सी भी ले लेनी है जिसमें हमें, तो वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको मैं समझाऊँगा किस तरीके से क्या चीज़ की जाएगी। तो आप हमें वीडियो को पूरा देखें। तो आप देख सकते हो इस वाली वीडियो में हमारी जो एड स्क्रीन लगाने के लिए ऑप्शन खुल रहा है। ठीक, देख सकते हो इस तरीके का हमारा ओपन हो चुका है। इस तरीके का लोगो खुल के आएगा एड स्क्रीन करने के बाद, और इसमें हमारे 4 से 5 ऑप्शन मिल जाएंगे किस तरीके से आप एड स्क्रीन देख अपनी लगा सकते हो। जैसे मैं किसी की वीडियो लास्ट तक देखता हूँ उसमें एड स्क्रीन आने लगता है और वीडियो की, तो यही आपके लिए बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि एड स्क्रीन में यही फ़ायदा होता है कि आपकी वीडियो यहाँ से दूसरी वीडियो पर आप जा सकता है, आपका जो भी क्रिएटर है या जो भी आपकी वीडियो देख रहा है। तो यहाँ से मैं सिंपली से इस वाले पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं लगाना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा रेड क्यों आ रहा है, तो इस वाले को हम यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक, डिलीट करने के बाद एक मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जैसे मैं ऊपर रखना चाह रहा हूँ तो ऊपर भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं ऊपर दोनों रखना चाह रहा हूँ तो ऊपर भी लगा सकता हूँ, यहाँ रखना चाह रहा हूँ और इन्हें मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। अब इसमें इस वाले पर क्लिक कर लूँगा मैं, और सिंपली ये लिख के आ रहा है क्लोज वीडियो वाले, इस वाले पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारी बहुत सारी वीडियो जो भी हैं वो पुरानी खुल के आ जाएंगी, और इनमें हम बारी बारी करके दो लगा सकते हैं। देखो, एक मैंने ये लगा दिया और दूसरा ये लगा दिया। ये हमारी जैसे वीडियो ख़त्म होगी, ख़त्म होने से करीब 10 सेकंड पहले ये हमारे दिखने लगेंगे। इस पर हमारी यही फ़ायदा है कि हमारी इस वीडियो से दूसरी वीडियो पर बंदा जा सकता है। जैसे मैं आपको सिंपली दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे हमारी वीडियो एक नया क्रोम ब्राउज़र खोले ले रहा हूँ, यहाँ से सेव कर देंगे। लेकिन मैंने तो कट कर दिया, लेकिन आप यहाँ से सेव करेंगे तभी आपका आएगा। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जो मैंने आई बटन के बारे में बताया, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो देख सकते हो सिंपली से हमारी ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। जैसे ही ख़त्म होगी, जैसे ये हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है, अब हमारी दो दिखने लगा होगा, ये हमारी एड स्क्रीन है। इस पर जाने के बाद आप हमारी दूसरी वीडियो पर भी जा सकते हो। इसके यही फ़ायदे हैं, इसी के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहा करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर।